आज आए हैं ये ओडिशा का एक गांव में। यहाँ पर हम देखेंगे आज कुछ खेती के बारे में। ये है पॉपकिन का खेती। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो फार्मर्स का है ये ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का है। मैं थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा नज़ारा दिखाइए, जो पॉपकिन का खेती हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यहाँ से हम जाएंगे, फार्मर्स के साथ भी कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, फार्मर्स के साथ इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आपणकर बोईताळु है, बोईताळु लागिछि। अच्छा, ए बोईताळु रे आपण आगरु भी बोईताळु लगाई थिले? हाँ लगाई थी। अच्छा, आगरु भी बोईताळु चाष करते ना ये? एथर आपण केते बोईताळु चारा लगाई छंती भाबु छंती केते भितरे? एटा 700 पाखा पाखी हो, 700 800 लगाई थी ना। अच्छा 700 अच्छा पाखा पाखी थी, केते गडी मरि गला। अच्छा अच्छा आपण आगरु बोईताळु रु गला वर्ष केते पैसा कर छंती, केते बिकी छंती? देखिए थी ना, लक्षे पाखा पाखी। अच्छा, ए वर्ष एठू केते पाखा पाखी होबो? ଏଠି ଅନୁମାନ କରା ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ ରୁ ପାରି ଯିବ ମାନେ। अच्छा अच्छा लोखे रु पहरे जो। ठीक है, हम लोग का जो फार्मर्स वो बोल रहे हैं, पिछले साल वो खेती से हमारे पॉपकिन से वो बेचे हैं 1 लाख, शायद 1 लाख के आसपास पैसा होगा। तो इस साल भी वो उनका होप है वो पाएंगे 1 लाख के आसपास। तो ये है उनका खेती, हम देख रहे हैं। तो ये ब्लॉक है कुसमी और डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है। तो गांव है इनका बोरगी मोरा बोल के। तो ठीक है, ये सब हमारा फार्मर्स हैं और ये सब एसटी फार्मर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इनका और भी कुछ खेती है, वो भी हम दिखेंगे आगे। तो यह यहाँ पर जो पंपकिन का है वो थोड़ा हम उसका नज़ारा दिखाते हैं यहाँ। और हम दिखेंगे खीरा के खेती। तो गोविंद बाबू ठीक है, खीरा टेकी की देखे कमती सब खीरा फोड़ी ची देखा ठीक है। हम वो फार्मर को बोले हैं वो दिखाएंगे वो खीरा कैसे हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम ये वीडियो से मैसेज देना चाहते हैं, हमारा जो यूथ जनरेशन है वो भी खेती से कैसे पैसा कमा सकता है और खेती आजकल कैसे एक प्रॉफिट बिजनेस हुआ है। ये देखिए, ये है खीरा, यहाँ पर जो हुआ है ये है खीरा। और इसको थोड़ा पकड़ के देखेंगे कैसे हुआ है। ये ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पर है पाँच छः हुआ है, हम दिखा रहे हैं। ये एक ठो है शायद कैमरा में, हाँ ये है। ठीक है, तो ऐसा खेती हुआ है। अच्छा, हम पूछेंगे इनको खीरा से कितना पैसा किया है। तो ठीक है, आपण केते करी छो गला वर्ष भी खीरा करथिले? गला वर्ष करितिनु 50,000 हेतला। अच्छा, ए वर्ष केते रखी छंती आशा? ए 50-55 पका पके वर्ष भी हेबो प्राय। अच्छा अच्छा 40 ही बने। तो ठीक है, फार्मर्स बोल रहे हैं वो 50,000 का पिछले साल बेचे थे। तो इस साल भी उनका है आशा है वो 50,000 आसपास कमाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, तो ये जो खेती कर रहे हैं ये साल भर नहीं करते हैं। इस खेत में बारिश का टाइम का जो धान होता है वो धान होता है, उसका बाद वो ये लेते हैं। तो उसी से भी वो ये लोग, ये फार्मर हमारा है यहाँ पर, शायद 8-10 फार्मर ऐसे होंगे जिनका ये जो वेजिटेबल का जो कल्टीवेशन है, वेजिटेबल का खेती से ये सालों में 2-3 लाख तो शायद कमा ही लेते हैं। तो हम भी जो युवा है, नौजवान है हमारा देश का, हम भी इनको ये मैसेज दे सकते हैं। तो ये खेती करके अच्छा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये खीरा है, आगे आगे भी बहुत सारा है। और बिटरगार्ड है वहाँ पर, हम करेला जो बोलते हैं हम हिंदी में, तो वो भी है उनका। और ढेर सारा है यहाँ पर, कुछ कुछ वो लोग ले रहे हैं ऐसा, तो हम भी ऐसे ले सकते हैं। तो जिससे हम सिर्फ धान से ही खेती करके हम जो छोड़ देते हैं उसको वैसा नहीं छोड़ सकते हैं वो ज़मीन को, उससे और ज़्यादा कुछ हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आगे फिर हम देखेंगे और कुछ खेती और दूसरे गांव का कुछ फार्मर्स को हम मिलाएंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।